तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने अनबॉक्सिंग किया था इस्टमैन के एक सोलर इन्वर्टर का और यहाँ और इस्टमैन के एक 150 एम्पीयर बैटरी की। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर इस्टमैन के 160 वाट के एक सोलर पैनल की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस्टमैन का जो पैनल है ये कैसा आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर क्या इसके बिल्ड क्वालिटी वगैरह है, क्या आपको वारंटी वगैरह देखने को मिलती है, क्या चीज़ें इसके साथ में आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक सोलर पैनल लेने के लिए तो आप इस्टमैन के साथ में जा सकते हैं। काफ़ी सस्ते में ये लोग काफ़ी अच्छे सोलर पैनल, काफ़ी हैवी सोलर पैनल ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। पैनल हमारे सामने है, मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जो पैनल है वो यहाँ पर फिलहाल कैसा है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस पैनल की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों यहां पर इस सोलर पैनल का जो बॉक्स है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। यहां पर सबसे पहले आपको इस्टमैन का जो लोगो है वो यहां पर देखने को मिल जाता है। एनर्जी अनलिमिटेड इस्टमैन का लोगो यहां पर प्रोवाइड किया गया है और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ये टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया में बना हुआ है। ये जो पैनल है वो इस्टमैन का एक 12 वोल्ट की टेक्नोलॉजी पे पैनल आता है। और दोस्तों ये जो पैनल है वो 160 वाट का है और मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको हाई आउटपुट पावर जो है वो इस पैनल में देखने को मिलता है। लो टेम्परेचर कोफिशियंट है, साथ में अगर बादल वगैरह भी है, जैसे इस टाइम पे बारिश का मौसम है तो बादल वगैरह भी है, फिर भी ये जो पैनल है वो मैक्सिमम करंट जनरेट करता है। इसके साथ में आपको यहां पर लेस शेडिंग इफेक्ट इस पे देखने को मिलता है। यानी मान लेते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इस पैनल पे शैडो क्रिएट कर रहा है, कुछ पैनल पे धूप है कुछ पैनल पे शैडो है, तो ऐसे में इस पे बहुत कम असर पड़ता है। ये नई टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। और दोस्तों इसमें आपको बेटर मैकेनिकल लोडिंग टॉलरेंस देखने को मिलता है। यानी आप जब इसको आप लगाते हैं इसके स्टैंड पे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें इस पैनल के कुछ और डिटेल के बारे में, तो सबसे ऊपर आप देख सकते होंगे यहाँ पर आपको 25 साल की वारंटी इस पैनल पे देखने को मिलती है। यानी आपको 25 साल तक कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि 25 साल की वारंटी आपको इस पैनल पे डायरेक्टली देखने को मिलती है, जो कि अगर आप इस पैनल को इंस्टॉल करवाते हैं तो 25 साल तक तो आप इस पैनल के बारे में भूल ही जाइए एक बार लगवा करके। साथ में आप देख सकते होंगे यहां पर इसके कुछ जो स्टैंडर्ड है वो फिलहाल यहां पर मेंशन किए गए हैं। इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो पैनल है वो फिलहाल यहां पर इस्टमैन की तरफ से डिजाइन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस्टमैन के किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते होंगे या फिर आप इस सोलर पैनल को परचेस करना चाहते होंगे तो इस्टमैन एक काफी जानी मानी कंपनी है। इस्टमैन का के जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको मार्केट में आपकी लोकल मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहां पर मार्केट में पता कर सकते हैं, इस पैनल को ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने में तो मैं नीचे आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, आप डायरेक्टली इनसे बात करके इस पैनल को ले सकते हैं। और इसके साथ में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बारी आती है इस पैनल को अनबॉक्स करने की और चलिए इस पैनल को करते हैं बॉक्स से बाहर। और बॉक्स से बाहर करके मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चीजें आपको इस पैनल में देखने को मिलती हैं और ये पैनल कैसा लगता है। दोस्तों ये जो पैनल है वो मैंने अनबॉक्स कर दिया है, आप देख सकते होंगे सिंपली बॉक्स से हमने बाहर कर दिया है। बॉक्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर ये जो पैनल है वो पैनल था, साथ में इसका वारंटी कार्ड वगैरह है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पैनल के बारे में तो 160 वाट का पैनल है और यहाँ पर और पैनलों के मुकाबले बात करें तो ये जो पैनल है वो थोड़ा सा भारी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज होगा तो वेट तो रहेगा ही। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले इसके ऊपर वाले इस ग्लास के बारे में, तो इसका जो ग्लास है वो काफ़ी मोटा फिलहाल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर ये मान लेते हैं इस पर अगर बारिश वगैरह होती है और साथ में अगर ओले वगैरह भी पड़ते हैं तो ये आसानी से फूटेगा नहीं। कुछ पैनल होते हैं जो कि ओले वगैरह गिरने से भी क्रैक कर जाते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। काफ़ी मोटा ग्लास इसमें प्रोवाइड किया गया है जो कि इस पैनल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है और यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल करके आती है। अगर हम यहाँ पर इसके इस साइड को हटाएं दोस्तों, अगर हम इसके कनेक्टर के बारे में बात करें जो कि अंदर इसमें फिलहाल यहाँ पर यूज किया गया है इसके प्लेटों को कनेक्ट करने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा यूज किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके कुछ इस साइड के बारे में, जिसका मॉडल नंबर वगैरह, साथ में ये 2022 का मैन्युफैक्चर है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस साइड की अगर बात करें तो आपको इस्टमैन इंडिया मेड इन इंडिया जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, इस्टमैन एनर्जी अनलिमिटेड करके लिखा हुआ है। दोस्तों इसका जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी मोटा फ्रेम है और यहाँ पर जब आप इसको डायरेक्टली कसवा देते हैं स्टैंड वगैरह पे तो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस पैनल को मैंने पीछे किस
साइड कर दिया है। और तो ये जो पैनल है वो पीछे की साइड से कुछ इस टाइप का देखने में लगता है। और यहाँ पर अगर हम ऊपर की साइड में बात करें तो आपको सबसे पहले एक पावर सप्लाई बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये जो पावर सप्लाई बॉक्स है इसमें आपको दो प्लस और माइनस वायर्स को कनेक्ट कर देना है, जो कि डायरेक्टली आपके सोलर पैनल से निकलेंगी और आपके सोलर इन्वर्टर में जाकर के जुड़ जाएंगी। साथ में दोस्तों ये जो पैनल है वो यहाँ पर QC पास्ड है, उसके साथ में आपको इसका मॉडल नंबर वगैरह देखने को मिलता है। 160 वाट का पैनल है। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो आपको इस्टमैन एनर्जी अनलिमिटेड का जो लोगो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिर से, और इस्टमैन की कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगर हम यहाँ पर इस साइड की बात करें तो आपको सिंपली एक वारंटी कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि पैनल के साथ में ही आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका वारंटी कार्ड है। इस पर आपको 25 साल की जो वारंटी है वो देखने को मिलती है। साथ में पीछे की साइड आपको इसके बारे में कुछ जो डिटेल्स है, मेंटेनेंस डिटेल वगैरह है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इसके साथ में आपको यहाँ पर इनके प्रोडक्ट, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर पैनल, सोलर लाइट, सारी चीज़ें इनके पास में अवेलेबल है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पैनल का जो आउटपुट डिटेल है वो देखने को मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 160 वाट है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया। अगर हम बात करें इसके एम्पियर के बारे में, तो इसका जो एम्पियर है वो फिलहाल यहाँ पर 8.42 एम्पियर ये जनरेट करता है। इसके साथ में अगर हम यहाँ पर इसके शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में बात करें तो ये है 8.87 एम्पियर। और साथ में आपको यहाँ पर मैक्सिमम सिस्टम जो वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में नीचे भी आपको कुछ वार्निंग वगैरह और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की कुछ डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में इस यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि फिलहाल कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें इसके फ्रेम के बारे में, तो आप देख सकते होंगे इसको लगाने के लिए काफी सारे अच्छे होल यहां पर दिए गए हैं। फ्रेम काफी मोटा यहां पर प्रोवाइड किया गया है। मैं कितना भी इसको हिला रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन ये आसानी से हिल नहीं रहा है। यहां पर आपको एक होल यहां पर दिया गया है, एक होल आपको नीचे देखने को मिलता है, साथ में आपको एक होल उस साइड देखने को मिलता है, एक साइड एक होल उस साइड नीचे देखने को मिलता है। इन चारों होल्स पे आप इसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं इसके स्टैंड पे, और ये बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी नीड इस 160 वाट से ज़्यादा की है तो आप इसके साथ में और भी पैनल्स को ले सकते हैं, या फिर आप इससे ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज वाले पैनल को भी बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये है कुछ डिटेल इस्टमैन के इस नए सोलर पैनल के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर इस पैनल को अनबॉक्स किया और इस पैनल की पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी अनबॉक्सिंग आपके साथ में शेयर की। अब आप इस पैनल को लेना चाहते होंगे तो आप अपने नज़दीकी मार्केट में पता कर सकते हैं। इस्टमैन काफ़ी फेमस कंपनी, मैंने आपको बहुत बताया है, और आप यहाँ पर इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से जाकर के इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इनके इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल पूरे सेट को ही ले सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिटेल इस्टमैन की सोलर पैनल के बारे में। अब हम अगली वीडियो में इस पैनल को अपने इन्वर्टर पे कनेक्ट करने वाले हैं, और कनेक्ट करके आपको जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो चेक कराने वाले हैं।